बार ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बाबा आज कौन सो त्योहार है जो मैया मोहि छीने तक न देवे प्रसाद। बाबा बोले लाला आज के दिन इंद्र की पूजा की जावे। इंद्र की काय वास्ते पूजा करें बाबा। अरे लाला इंद्र की पूजा करने ते इंद्र प्रसन्न है जाए, फिर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करवे। भगवान बोले बाबा ये तो इंद्र की ड्यूटी है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। बात भी सही है, नंद बाबा मान गए, क्योंकि गौ माता तो गोवर्धन पर्वत पर ही भोजन करती है, चरती है। नंद बाबा बात मान गए, सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की तलैटी में आए। तब तक नारद जी इंद्र के पास पहुंचे, बोले राजा इंद्र तुम्हारी पूजा बंद हो गई। इंद्र बोले कहां? बोले नीचे पृथ्वी पर। नारद जी का काम ही है आग लगाना। इंद्र बोले किसने करवाई? बोले अब तुम्हें देखो, हम तुम्हें थोड़ा ही बताए, हमने तो ये बता दिया कि तुम्हारा पत्ता साफ। इंद्र ने नीचे जाकर देखा तो ठाकुर जी ने सच में बंद, इनको लगा छोटा सा लाला छोटे से बालक ने पूजा बंद करवा दी, अभी बताते हैं। इंद्र रुष्ट हो गया, उसने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी, मेघों को आज्ञा दी जाओ ब्रज में बारिश प्रारंभ कर दो। ब्रज में जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे कन्हैया बचाओ, हे गोविंद बचाओ। सब चिल्लाने लगे, भगवान करना अवतार है। सब ब्रजवासियों से बोले चलो गोवर्धन की तलहटी में। गोवर्धन की तलहटी में पूरे ब्रजवासियों को लाए, भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने किया, भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन नाथ की। आओ ब्रजवासियों सब छिप जाओ। सब गोवर्धन के नीचे जाकर छिप गए ब्रजवासी। भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। ब्रजवासियों को लगा कन्हैया छोटे से हम भी कुछ लगा ले। किसी ने लकड़ी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, तो कुछ ब्रजवासी हाथ जोड़कर आए, अरे ओ लाला दो तीन दिन से हम देख रहे ना तू सो रहा ना बैठ रहा ना आराम कर रहा ना मक्खन खा रहा, नेक्सो आराम कर ले बीमार पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ठीक है, हम बढ़िया हैं, ऐसे ठीक है। अरे ब्रजवासी बोले पागल है क्या, क्या समझ रहा है कि तू छोटी सी उंगली पे पर्वत उठाए? देख हम भी कंधा लगाए हैं, कोई बोला देख हम भी लकड़ी लगाए, कोई बोला देख हम तो खपड़िए ही लगाए। अरे ब्रजवासी दिखावे। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, आप ही लोग उठाए पर अब रहने दो। ब्रजवासी बोले वाह अपने आप को बलवान समझता है, बैठ जाओ सो जाओ, कुछ देर आराम करो विश्राम करो, कुछ मक्खन अक्खन खा लो, बीमार पड़ जाओ, उम्र छोटी है। भगवान बोले तो लो पर्वत संभालना। ब्रजवासी हंसकर बोले क्या तुम्हैया पकड़े संभाले हैं सब, जाओ सो जाओ। भगवान ने अंगुली हटाई नहीं, नेक अंगुली टेढ़ी करी सो सबकी, काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ की नकरिया टूट गई, काऊ को कंधा टूट गया, सब चटर पटर भटर हो गए। सब बोले अरे बचाइयो बचाइयो लाला नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। भगवान ने फिर सीधी कर ली, काऊ कैसी रही? भगवान ने पुनः उंगली सीधी की तो ब्रजवासी सब हाथ जोड़ कर आ गए, भैया अब हम समझ गए तुम साधारण कोई बालक नहीं हो, हमको तो लगता है साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए हुए हैं। भगवान ने सोचा अगर ये सब ब्रजवासी हमको ब्रह्म मानने लगेंगे तो हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहते नहीं 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 हम कोई ब्रह्म नहीं है, ना ना हम कोई ब्रह्म नहीं, हम तो तुम्हारे कन्हैया ही हैं। तो ब्रजवासी बोले अगर कन्हैया होते तो इतना बल। तब भगवान ने बताया अपने बल को, क्या भगवान कहते इसमें हमारा बल नहीं, श्री राधा रानी जी की कृपा है, कुछ तुम लोगों का बल ले लिया। ब्रजवासी बोले मतलब? बोले भैया ये गोवर्धन जो देवता है ना, जा देवता ने हमें एक मंत्र दे रखो, कौन सो ऐसा मंत्र दे रखो कि अगर उस मंत्र को किसी के सामने पढ़ दिया जाए तो उसकी आधी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। इतने में मधुमंगल बोला है ये मंत्र का ही चमत्कार है, भैया जी बता जे वापस कर देगो ताकत के नहीं? भगवान बोले वापस हो जाएगी ताकत। सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करते हैं, गोवर्धन नाथ की।